आपके भी पैर बहुत ज्यादा कमजोर है घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है साथ ही साथ आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है यानी कि जगह जगह जो आपकी नसें हैं वो नीली पड़ गई हैं या फिर आपको मकड़ी का जाल जैसा अपने पैरों में जगह जगह दिखाई दे रहा है अगर ये समस्या आपको है तो आज की जो एक्सरसाइजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं तो जरूर देखिएगा और उनको आज से ही शुरू कर दीजिए आपका जो घुटने का दर्द है आपके जो पैरों की कमजोरी है पैरों में बहुत जल्दी जल्दी दर्द हो जाता है और आपकी जो वेरी कोज की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए पास ही में दिख रही बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए फर्स्ट आपको देखिए क्या करना है आपको लेट जाना है आप लेट जाएंगे लेट के देखिए आपको क्या करना है अपने पैरों को अंदर की तरफ लेकर आना है जो आपके पंजे हैं आप अपनी पिंडलियों के अंदर खिंचाव को महसूस करेंगे इस तरीके से अंदर लेकर आइए और फिर बाहर लेकर जाइए अंदर लेकर आइए और फिर बाहर की तरफ लेकर जाइए इसको कम से कम आप 10 से 12 बार कीजिए इससे क्या होगा आपके जो लेग्स हैं वो वार्म हो जाएंगे यानी कि आपका जो वार्म अप है वो हो जाएगा इस तरीके से करिए नाउ ऑल्टरनेट वन बाय वन एक बार राइट राइट को अंदर की तरफ लेकर आइए लेफ्ट को बाहर फिर लेफ्ट राइट बाहर इस तरीके से ये भी आपको कम से कम दस से बीस बार करना है नेक्स्ट अपने दोनों पैरों को आपस में मिला के रखिए और रोटेट रोटेट आपको करना है टेन टाइम क्लॉकवाइज 10 टेन टाइम एंटी क्लॉकवाइज पूरा बाहर की तरफ खींचिए और अंदर की तरफ लेकर आइए घिचे बाहर की तरफ अंदर की तरफ लेकर आइए इस तरीके से कीजिए और फिर दूसरी तरफ से 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर लें पैरों में हल्का सा गैप करें और ये इस तरीके से अंदर बाहर ये एक्सरसाइजस आप चाहें तो बैठ कर भी कर सकते हैं ये इस तरीके से नेक्स्ट आपको अपने घुटनों को एक्टिवेट करना है घुटने की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करना है तो क्या करना है आपको इस तरीके से मोड़िए सीधा करिए मोड़िए सीधा करिए एक बार राइट से करेंगे और एक बार लेफ्ट से करेंगे आप चाहें तो पहले राइट से टेन टाइम्स कर लीजिए और फिर लेफ्ट से टेन टाइम कर लीजिए इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो वार्म अप हो चुकी होगी अब हमें नेक्स्ट देखिए फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या करना है अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए घुटने में दर्द है धीरे धीरे मोड़िए आराम से और अपने पैरों को टाइटली हक करिए लाइक दिस यहां पे आपको टाइटली हक करके रखना है पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स आपको कम से कम तीस सेकेंड तक होल्ड करना है नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है आपको इसमें अपने आ, कोई भी अगर आपके पास कोई भी छोटा सा स्टूल है योगा ब्लॉक्स है या फिर पिल्लो आप ले सकते हैं तो आपको क्या करना है मैंने दो पिल्लो लिए हैं आपको इस तरीके से रखना है दीवार के साथ आप रखेंगे और आपकी जो आपके हिप है जो आपकी लोअर बैक है वो इस तरीके से आपको अपने इन पिल्लों के ऊपर रखनी है इस तरीके से आप अपने लोअर बैग के नीचे रखेंगे पैर आपके ऊपर की तरफ ये इससे क्या होगा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा आपका जो फ्लो है ब्लड का वो इम्प्रूव होगा अपने हाथों को इस तरीके से रखिए अगर आपको वेरिकोज बेन की समस्या है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है इस तरीके से लेटना है आपको आप अपने नीचे योगा ब्लॉक रख सकते हैं कोई राउंड क्वेश्चन uh, है या फिर कुछ भी बस आपको चुभना नहीं चाहिए लगना नहीं चाहिए आपको कंफर्टेबल होके लेटना है ताकि आपके हिप को लोअर बैक को थोड़ी सी हाइट मिल सके इस तरीके से रखिए और आपको थर्टी सेकेंड से लेके वन मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड करना है और इसको आपको कम से कम चार बार रिपीट करना है फोर राउंड्स इसके कंप्लीट करने हैं तो इस तरीके से आ जाएंगे नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है नेक्स्ट के लिए आपको कोई दुपट्टा या फिर आप स्ट्रेचिंग बेल्ट ले सकते हैं योगा बेल्ट ले सकते हैं कुछ भी ले लीजिए आपको लेटना है और लेट कर आपको देखिए क्या करना है अपने एक पैर को सीधा रखिएगा दूसरे पैर को इस तरीके से बेल्ट में फंसा लीजिए कोई दुपट्टा कुछ भी आप ले लीजिए अपने हाथों को पैरों के तलवों के पास तक लेकर जाइए और ये स्ट्रेट यहां पर खींच के रखिए इस तरीके से आपको अपने पैर को खींच के रखना है और इसको भी आपको कम से कम थर्टी सेकेंड से, से लेकर वन मिनट तक होल्ड करना है एक ही जगह स्ट्रेच करके रखिएगा ये यहां पे करिए और इसको आपको एक बार राइट से करना है और एक बार लेफ्ट से करना है घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है पेन है तो नी को हल्का सा बैंड करके रखिए ज्यादा स्ट्रेट मत करिए इस तरीके से रखिए ठीक है तो इसको आपको सेम थर्टी सेकेंड से, से लेके वन मिनट तक होल्ड करके रखना है राइट से और फिर लेफ्ट से और चार चार बार दोनों साइड से आपको रिपीट करना है नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है जब आप ये कर लेंगे तो वापस से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से होल्ड करेंगे टेन टू थर्टी सेकेंड के लिए नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है वापस से योगा ब्लॉक ले लेना है या कोई क्वेश्चन ले लेना है इस तरीके से नीचे रखना है और आपको बैठ जाना है इस इसपे इस तरीके से बैठिए ये।, ये क्योंकि घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं ना तो इसलिए योगा ब्लॉक या फिर कोई क्वेश्चन कुछ भी इस तरीके से रखिए कोई स्टूल ले लीजिए और अपने पैरों को बाहर की तरफ निकाल के और ये अपनी एल्बो से नी को बाहर की तरफ पुश कीजिए यहाँ पे बैठिए थर्टी सेकेंड के लिए थर्टी सेकेंड के लिए यहाँ पे होल्ड कीजिए टेन नाइन एट सेवन Six, five, four, three, two, one. रिलैक्स इस तरीके से बैठ जाइए होल्ड करिए अब हम अपने क्वेश्चन को हटा देंगे जिनको नी में पेन है वो थोड़ी देर रुकिए. उनके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगी तो जिनके नी में पेन नहीं है वेरिकोज वेन की समस्या है तो आपको क्या करना है मैं आपको इसके दो वेरिएशन बताऊंगी इस तरीके से आप बैठे हुए हैं हाथों को इस तरीके से रखिए और का रेजिस बैठ के अपने ईल को इस तरीके से आपको लिफ्ट करना है ये इस तरीके से कीजिए घुटने में दर्द है तो आप इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरीके से बैठिए एंड अप डाउन ये आपको कम से कम थर्टी टाइम्स करना है तो अब उनकी बारी जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे पैरों पर ध्यान दीजिएगा ये आपके पैर हैं आप किसी भी दीवार के साथ खड़े हो सकते हैं और आपको ये इस तरीके से आप मेरे पैरों पर ध्यान दीजिए ये आप खड़े होके भी काफ्रेजिस इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है मैंने बैठ के बताया जिनके गुट्टों में दर्द है वो इस तरीके से खड़े होके करें तो आप इस तरीके से कीजिए और नेक्स्ट और लास्ट आपको क्या करना है इस तरीके से बैठिए अपने पैरों को इस तरीके से रखिए और ये इस तरीके से आप मूवमेंट कीजिए आपके घुटनों को अच्छी मजबूती मिलेगी आपकी मांसपेशियां खुलेंगी वेरिकोस वेन की भी समस्या दूर होगी इस तरीके से करिए इन्हें हिलाइए और जो भी होल्ड करने वाली है जैसे काफ़ काफ्रेजेज हो गई जो अप एंड डाउन इनको कम से कम आप थर्टी टू सिक्स खींचिए जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए हर एक्सरसाइज को तीन से चार बार रिपीट करिए ये भी आपको 30 सेकेंड से, से लेके 1 मिनट तक करना है और इसको भी तीन से चार बार रिपीट करिए वापस अब इसको पैरों को आपस को मिला लीजिए और इसको टाइटली हक करके बैठिए इस तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है कि आपको मुस्कुराना नहीं भूलना आपके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और वर्कआउट करेंगे तो आपको बहुत ही डबल यानी कि आपको डबल इफेक्ट आने वाला है आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आप अचीव कर पाएंगे तो इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए साथ ही साथ आप कम से कम आधे घंटे की वॉक जरूर कीजिए पानी वाटर इनटेक अच्छा रखिए बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और जो एक्सरसाइजेस आपको बताइए इनको डेली बेसिस पर कीजिए तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं मिलती हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बाय